नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम एसएससी जीडी परीक्षा 2021 का जो 20 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसे डिस्कस करेंगे। 100% रियल प्रश्न है और सबसे सटीक उत्तर भी है, ठीक है। और बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। आज तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए, 60+ क्वेश्चन मिले, तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और भविष्य में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। सबसे सही तरीके से अगर आपको पेपर निकालना है तो उसके आसपास के जितने भी टॉपिक है उसे देख लीजिए। हम जो जो टॉपिक बता रहे हैं उसी में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस आपको फोकस करके देखना है उन्हें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रापूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में ह्रास के कारण। दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? संघीय सरकार की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? आर्टिकल 123 और राज्यपाल का क्या हो जाएगा? 213। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989 में, ठीक है। मंगल पर अपनी उड़ान शुरू करने के लिए नासा ने जो हेलीकॉप्टर लॉन्च किया था उसका नाम क्या है? इंजीन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा कवर कितना है? 50 लाख रुपए का है, ठीक है। नेक्स्ट है, बारदोली आंदोलन किससे संबंधित है? तो सरदार पटेल से। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष पूछे गए थे तो क्या हो जाएगा? ज्ञानेंद्रो लिंगोबाम। नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सभी को पता है, लीवर को। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला जिंजर प्रोसेसिंग सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया? मेघालय में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2020 में फिजिक्स का नोबेल अवार्ड मिला था? पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। तो ये आप लोग हमने जो नोबेल अवार्ड की जो ट्रिक बनाई है उसे जाकर के देख सकते हैं, और इसी वीडियो के लास्ट में वीडियो को अटैच कर दिया जाएगा जिससे कि अगर आपको भविष्य में एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं, बस एक दो बार वीडियो देख लेंगे, वो भी शॉर्ट्स में, मतलब 40 सेकंड का, तो आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में। नेक्स्ट है कि सीएजी का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में मिलता है? 148 में। तो अनुच्छेद से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं वो सब हमारे वीडियो से पूछे जा रहे हैं, आप जाकर के देखेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में। बिहू नृत्य किस पेड़ के नीचे मनाया जाता है? तो तुलसी के पौधे के नीचे। नेक्स्ट है कि दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल हो जाएगा? सबरीमाला मंदिर पूछा गया था कहाँ, किस राज्य में? तो केरल राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहला लोकपाल किसे बनाया गया? पिनाकी चंद्र घोष जी को। नेक्स्ट है, इसके बाद पूछा गया था भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट है, मोरक्को निवासी इब्न बतूता की बात की जा रही है, ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय है, ठीक है, इब्न बतूता। नेक्स्ट है कि कुलदीप हांडू किस खेल से संबंधित है? वुशू के कोच है, ठीक है। रोमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी, तो ये विजयनगर साम्राज्य के ऊपर आ गया है, ठीक है। उसका टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग देखिएगा, आर्टिकल से संबंधित आपको बता दिया गया है। इसके बाद ये है कि सबसे खारी पानी की झील पूछी गई है भारत की, तो क्या हो जाएगी? सांभर झील, जो कि राजस्थान में, ठीक है। तो इंडिया और वर्ल्ड के लिए जियोग्राफी के जो सेक्शन में लूसेंट का जो बुक है उसमें जो लास्ट साइड में जो दिया हुआ है ना, जो पेजेस दिए हुए लिस्ट बनाई हुई, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, और इसके बाद विविध में विषय भी, तो ये दोनों देखिएगा। केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 74 के तहत। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो गोटबाया राजपक्ष है। नेक्स्ट है, किस देश द्वारा हाल ही में ग्रीन पासपोर्ट की शुरुआत की गई है? इसराइल। नेक्स्ट है, कवरताल लेक किस राज्य में स्थित है? बिहार में, ठीक है, वेटलैंड में शामिल किया गया इसे हाल ही में, इसलिए इसे पूछा गया था। नेक्स्ट है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हो गए। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। किसने की थी? हरिहर बुक्का प्रथम ने। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अध्यक्ष पूछ लिए गए, मतलब चीफ जस्टिस पूछ लिए गए, तो क्या हो जाएगा? अनुप कुमार गोस्वामी, मतलब जितने भी अभी हाल ही में चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के, या सुप्रीम कोर्ट के जो पैनल है जजेस का उसमें भी अगर शामिल किया गया तो वो भी देख लीजिएगा एक बार नए वाले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन है? तो 280 में है। नेक्स्ट है, दांदेली अंसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? तो कर्नाटक। तो कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र, ये तीन फेवरेट हो गया है उसका, जहाँ से नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, नागरहोल बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ का है? तो कर्नाटक, ये देखिए कर्नाटक पूछ लिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राज्यसभा का है। अगले कॉमनवेल्थ गेम किस वर्ष आयोजित किए जाएंगे? 2022 में।
नेक्स्ट है भारत में अटल पेंशन योजना किस वर्ष लागू की गई, 2015 में, मई 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इबोला किसके द्वारा फैलने वाली बीमारी है, वायरस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है मिजोरम में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, एक, तो लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें भी पूछी गई है, आपको पता है कि इसके पहले बिहार की पूछी गई थी, ठीक है, और बिहार में जो इलेक्शन हुआ था 2020 में उसके बारे में पूछा गया था। संविधान का अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व से है, पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो वो 61 में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, मणिपुर। बहुत ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कम से तीसरी चौथी बार रिपीट हो रहा है। इसका नेक्स्ट है कि माउंट दी बोलो पर्वत कहाँ स्थित है, कैलिफोर्निया, जो कि स्टेट है यूएसए का एक। नेक्स्ट है राजभाषा पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, 1953। इसके नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा, 131। नेक्स्ट है मंकी रेस्क्यू सेंटर भारत के किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में। नेक्स्ट है मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है, डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी क्यों किया जाता है, निर्यात बढ़ाने के लिए। एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है, शशिधर जगदीशन, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन कौन सी पर्वतमाला पर होता है, नीलगिरी। नेक्स्ट है कि तीसरे पानीपत युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ किसने युद्ध किया था, तो मराठा साम्राज्य ने, सभी को पता है और ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल पटेल। 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य अवार्ड किसे प्राप्त हुआ, राजकमल झा को। नेक्स्ट है और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी भाई बहन या नए हैं, क्योंकि आपसे कोई भी अगर वीडियो मिस होता है और हमारी जो अप्रोच है अगर वो मिस हो जाती है तो निश्चित तौर पर आपके 5-6 नंबर कम हो जाएंगे। और अगर ये वीडियो देख लेते हैं और हम जो आपको बता रहे हैं अगर उसके ऊपर आप फोकस करते हैं तो निश्चित तौर पर आप 80+ क्वेश्चन सही करके आएंगे। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 338 की बात की जा रही है, तो 338A है ये, ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, वलित पर्वत का। सेल्युलोज भित्ति किसके किसके सेल में पाई जाती है, पौधे की सेल में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट है गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है, सीधी कार्रवाई का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत में फ्रांसीसी के भाग्य का निर्णय हुआ था, तो वांडीवास की लड़ाई हुई थी, सभी को पता होगा ये। तो क्रिमेन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ था, वर्षा की संधि के द्वारा। और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी पूछी गई तो कौन सी हो जाएगी, गोदावरी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोरेन किस प्रकार की कृति है, मतलब जो हिमानी क्षेत्र में हिमानी के द्वारा बनाई गई कृति हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि संवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये थे जीके के क्वेश्चन, अब कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लेते जो मिले हैं हमें। एक रीजनिंग का ये क्वेश्चन मिला था, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का होगा, फिर कितने का डिफरेंस होगा, 4 का, ठीक है। फिर उसके बाद कितने का डिफरेंस हो रहा है, 8 का, ठीक है। फिर उसके बाद कितने का डिफरेंस हो रहा है, 16 का, तो मतलब जस्ट डबल हो रहा है, 2 × 4 × 8 × 16 × 32, तो इसमें 32 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 × 3 = 63 आंसर आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद इसके एक और ये क्वेश्चन पूछा था, इसमें डिफरेंस देख लीजिए 6 का है, फिर उसके बाद कितने का, 10 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद कितने का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद कितने का डिफरेंस है, 18 का, तो फिर उसके बाद अगला डिफरेंस क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 4 प्लस हो रहा है यहाँ पर, है ना, तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद इसके बाद एक और ये है 76, 42, 66, तो ये पूछा गया, तो कैसे करेंगे इसे, 7 और 6 का मल्टीप्लाई करके इन्होंने 42 कर दिया, और 6 और 6 का मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग का एक और क्वेश्चन ये है दिया हुआ है, 36, 144, 49, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्या आएगा, तो 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का, फिर उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, 6 को डबल कर रहे हैं और फिर क्या कर दे रहे हैं, क्यूब कर स्क्वायर कर दे रहे हैं, मतलब 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो सेम इसी तरह करेंगे आपको, तो किसका, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, वीडियो कैसे लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपका स्कोर कितना रहा है वो भी बताइएगा, अगर कुछ क्वेश्चन मिस हो गए तो वो भी बता सकते हैं आप लोग, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं यहाँ पर, ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।